एक वाली टी शर्ट ठीक है, और कौन सा शॉर्ट? कितने पैसे? 4,000 आए। हम भी कहाँ से? क्या निकाला है? ओके, विंडो कबाड़ा बेचा। अच्छा, ऊपर के घर के फ्रेंड्स, अभी रिनोवेशन स्टार्ट हो गया है तो ऊपर का जो भी टूटा था उसे बेच के ये पैसे आए, तो भैया ने मुझे ला के दिए। चलो अच्छा, हम इसकी पार्टी कर लेंगे। ठीक है, 500 की पार्टी करना बस। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। अम्मी पहले भी आप ऐसे न्यूज़पेपर में बेच के करती थी ना? करते थे भोपाल में, पेपर आता था। हाँ। तो पापा पापा कहते कहते यार हटाओ सब। हाँ। सब इकट्ठे कर करके फिर 30 रुपए 20, उस जमाने 20 रुपए किलो बिकते थे। हाँ, अच्छा। 20 रुपए किलो, तभी मेरे 60-70-80 के हो जाते थे। हाँ। 5 किलो। भैया तो आज बड़े खुश है, भैया छुट्टी में जा रहे हैं गणपति के लिए, अपने गाँव जा रहे हैं। भैया कौन सा आपका गाँव? रत्नागिरी। रत्नागिरी, तो आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए, अच्छा। और सच में हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम काम करो, आओ ना, लेकिन जिस दिन आते नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता पूछ से संतोष नहीं आया, संतोष नहीं आया। एक घर के लगाओ जैसा हो। पैकिंग वैकिंग हो गई भैया? हो गई रात को ही। हो गया। भैया का काम तो एकदम टाइम के पहले होता होगा, हम लोग की तरह नहीं, आखिर में बैग भूल के चले गए। मम्मी आज आपने इतना सब बना लिया, मुझे तो आज वो जवार का वो बनाना था। तो क्या हुआ, तो बना लो फिर, वो शाम के खाने में बना। हाँ, तो आज क्या क्या बना है? आज परवल, अरहर की दाल, मटर पुलाव। और फ्रेंड्स, ये दाल इतनी सादी क्योंकि पापा को कुछ दिनों से ये हो गया, ना जीरा चाहिए, ना धनिया चाहिए, ना कोई मसाला ना घी तेल चाहिए। तो शाम को मैं बनाऊंगी अम्मी को जवार का पराठा और पार्टी मेथी डाल के। और पार्टी? पार्टी यही घर के खाने की पार्टी मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर पापा का खाना लेने। उसमें मिक्स कर दिया आराम से। गिर जाती हूँ हर बार, वैसे लगवा लेना। यहाँ आएंगे तो यहाँ झूलेंगे और वहाँ जाएंगे तो वहाँ झूलेंगे। मैं आ गई ऊपर से और अभी मैं कर रही हूँ लंच, बहुत ही यमी सा अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम सिंपल घर का मजेदार खाना। उसके बाद अभी भाई भाभी के साथ थोड़े 5 मिनट के लिए कहीं जाना है, वहाँ जाने के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज बड़ा लेजी सा डे जा रहा है, कुछ नहीं किया। अभी मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। रेजा वहाँ पे कडल के साथ खेल रही है और कडल को परेशान कर रही है। इनको नीचे उतरना अच्छा लगता है, ये देखो। ये देखो, रेहान जा रहा है अपनी कोचिंग, तो उसको बोला है कि रस्सी लेके आना कूदने वाली, तो वो ढूंढ रहा है। देखो ये रस्सी ना, ये मेरे लिए कोई सी गिफ्ट, कौन सा कप का गिफ्ट दिया था तुम लोगों ने मुझे? 600 के का। और खुद ही जितने भी ये मुझे गिफ्ट देता है ना, ये मुझसे बाद में अपने इस्तेमाल में ले लेता है। इसने हेडफोन्स भी अपने अलमारी में रखे है अभी। हम लोग केक बनाने के लिए सामान लेने के लिए, और आज रिजा वो रिस्क लेने जा रही है। हाँ बस बस, ये रहा बेकिंग सोडा। वाली स्टोन्स चाहिए डेकोरेट करने वाले हैं। अभी केक खोला नहीं है तो हमें डेकोरेशन भी थोड़ा तो करना पड़ेगा। और डार्क चॉकलेट। चलो सबसे पहले हैंड वॉश करो। आज हम लोग बहुत दूर से चल के आने, सोचा इसी बार एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत दूर होगा। हाँ। टहल के बड़ा मजा आया ना जैसे। हाँ बहुत। फ्रेंड्स, आपको पता है COVID-19 के बाद हम सब इम्पोर्टेंस समझ गए हाथ धोने की। मतलब पहले शायद हम सब इतने ज्यादा हाथ नहीं धोते थे, लेकिन अभी हमें पता चला है कि हाथ धोना भी कितना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग जब भी बाहर से आते हैं तो अच्छे से अपने हाथ धोते हैं, खाने से पहले या दिन में 3-4 बार हम लोग अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करते हैं, और आप सबको भी करना चाहिए। तो अगर हम बार बार अपने हाथ धो रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हैंड वॉश है वो केमिकल फ्री हो और टॉक्सिन फ्री हो। स्मेल भी बहुत अच्छी है। और फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, हमारे इंडियन मार्केट्स में ना ऐसे बहुत सारे हैंड वॉशेस अवेलेबल हैं जिनमें सल्फेट होता है, कॉस्मेटिक कलर होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पैराबेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे हैंड्स में ना अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और हमारे हैंड्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए हमने यूज करना शुरू किया है टॉक्सिन फ्री के हैंड वॉशेस। ये 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, इनमें सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, एकदम प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। तो ये हमारे हैंड्स के लिए सेफ है, हमारे लिए सेफ, हमारी फैमिली के लिए सेफ है, और पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं इनका लेमन ग्रास एंड मिंट वेरिएंट, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। इसमें दो और भी आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये रहे दो अदर वेरिएंट जिनके बारे में आपको बता रही थी। ये 3 वेरिएंट में आते हैं टॉक्सिक फ्री के जो हैंड वॉशेज होते हैं। तो अभी हम यूज कर रहे हैं लेमन ग्रास और मिंट। एक फ्रेंड्स आता है ये वाला जिसमें है सिट्रस एंड सी सॉल्ट, और एक आता है लेवेंडर एंड वेनिला।
और फ्रेंड्स ये हैंड वॉशेज आपके हैंड्स को हाइजीनिकली क्लीन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मॉइस्चराइज भी रखेंगे, क्योंकि पता है बहुत बार ये होता है कि हम हैंड वॉश करते हैं बार बार तो हमारे हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी एडेड है, तो उससे क्या होगा हमारे हैंड्स एकदम नरिश रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये टॉक्सिक फ्री हैंड वॉशेज आपकी फैमिली को हेल्दी बनाए रखेंगे, क्योंकि इलनेस कॉजेज जो जर्म्स होते हैं उससे आपकी फैमिली को और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स इनके तीनों वेरियंट जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, तो आप जरूर चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी अम्मी जस्ट फातिया देख के फ्री हुई है और अम्मी फातिया में ये सब रखती है, इसे अम्मी मतलब न्यास को ही हम लोग खाएंगे और फिर बाकी अम्मी बांट देती है। अम्मी किसका फातिया दिलाते हो? ये भाई ये भाभी गए थे अजमेर शरीफ, तुम भी गई थी तो उन जो वहाँ की उन्होंने बताया था कि हर जुमरात को मुश्किल कुशा मौला अली की न्यास दिया करो, गरी में, किशमिश में, मिश्री में, चने में, तो हम हर जुमरात को देते हैं। हम लोग अभी आके बैठे थे क्योंकि आज हम लोग वॉक करके आए थे, बहुत ज्यादा थक गए, जहाँ पे रेहान की क्लास है वहाँ से ज्यादा वॉक करके आए थे, और अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रेहान का फिर से कॉल आ गया कि लेने आ जाओ। अम्मी जा रहे हैं, ये लोग जो पार्टी मांग रहे थे उसमें लोगों ने कहा है कि अभी प्रॉपर पार्टी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ कबाब ऑर्डर कर दो, तो हमें कबाब ऑर्डर कर देंगे फिर हम बाद में आएंगे। अभी हम जा रहे हैं, मेरे लिए हम लोग रेहान को लेने जाने के लिए खड़े हैं और हमें कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा है। सर भैया ले चलो, आज ऑटो ही नहीं मिल रहे थे, हम लोग डर गए। इतना टाइम आज मैं यही बनाने वाली थी फ्रेंड्स, लेकिन भाभी ले आई है मिर्ची, तल के दिखाओ। मिर्ची अभी नहीं बनाई ना, मिर्ची कल अब बताना। टेस्टी लगता भी है नहीं, क्योंकि मैं तो सोचा ट्राई करूँ, पराठे की क्रेविंग होती है गोभी को भी। क्यों बोला क्या खाओगी अम्मा? तो क्या कह रही, करी चिकन भी खाऊंगी, बिरयानी भी खाऊंगी। तुम्हारे का मेरी बहू को परेशान क्यों कर रही हो, एक चीज बनवाओ। भाभी मैंने आज सोच लिया है कि अब मैं कार ले रही हूँ। अरे हाँ, क्योंकि ऑटो वाले बहुत देर देर से मिलते हैं। आप लोग कहते हो कार का, लेकिन मुझे ऑटो पसंद था, लेकिन अभी ऑटो वाले कुछ ज्यादा ही वो करते हैं। अभी हम लोग रेहान को लेने गए थे, हम लोग 10 मिनट खड़े रहे नहीं मिले, तो मैंने कहा अब मैं ले लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि हमें कौन सी कार कितनी बड़ी लेनी चाहिए, मतलब अभी उसमें ऑप्शन कम है। बड़ी बड़ी जो कार होती है ना, 7 लोग आते हैं, ऑप्शन बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बार भाई भाभी के साथ हम लोग जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे, जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। आप भी तो 5 लोग ही बोलो। हाँ, 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 क्योंकि ये लोग तो वैसे भी नहीं बैठते। एक बार भाई से और उनको ज्यादा देख ले, उसके बाद तेरा मन और श्योर होगा। हाँ वही है, जो नहीं आता मतलब आ रही थी आज, कोई नहीं जा रहा था, सुन के भी नहीं जा रहे थे, ऐसा करके सुबरस्ती बैठ जाओ लेके चलो। इतना बोले भैया चलो, और वैसे कोई काम हो तो चल जाता है, लेकिन रेहान को लेट हो रहा था, तो रेहान फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कार ले रही हूँ। हैप्पी? हाँ, कौन सी तुम चाहते हो, लो या नहीं लो? ले लो, हमने की तो ये लो की सबकी बहुत ज्यादा मर्जी थी, लेकिन मैं सोच रही थी चलो चल रहा है काम, चल रहा है ऑटो में जल्दी से बैठ जाओ, लेकिन कभी कभी ऑटो मजा बहुत आता है ऑटो में, ऑटो की बात ही अलग है, लेकिन जब कभी रात होती है या कभी दूर से आना है या कभी ऑटो नहीं मिलते ना, तो उस वक्त लगता है। तो अम्मी के लिए जब तुम ले सकती हो तो ले लो, तो कभी कभी पास में ऐसे ऑटो में चला करेंगे। हाँ। लेकिन कहीं दूर जाना है तो आराम, जो बारिश का टाइम हो रहा है तो उसमें जाओ तो अच्छा लगता है। कौन सी लो फिर तुम थोड़ा बाद में बताना। सो फ्रेंड्स आप सब भी सजेस्ट करो कि कौन सी कार अच्छी रहेगी हमारी फैमिली के हिसाब से। रेहान तुमको कौन सी पसंद है, इसमें दिमाग खाली बताओ कौन सी। MG हेक्टर। फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताना MG हेक्टर का जो मतलब क्या है, रिस्पॉन्स है या क्या है, परफॉर्मेंस है वो अच्छा है या नहीं है, प्लीज बताना। और जो तुम्हारे दोस्त भी बताएंगे। प्लीज आप लोग सजेस्ट करो जिसने जो भी यूज किया है, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि बाद में जाके फंस जाए, वो कार खराब हो जाए, फिर कुछ हो जाए। ले लो कार। हाँ ले लो सालू। हाँ, और हाँ ले लो, हमें बता लो कि नहीं लो कार, बैठते नहीं हो मदका तो ले लो, फातिया दुआ तो अल्लाह जाए तू अल्लाह इतना दिल खुशी आए, बड़े पीर बाबा का सबका फातिया दुआई और लड्डू मंगा के। अच्छा लड्डू मंगा के, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझे तो चाहिए थी, मैंने बोला था पहले। ले कौन सी ले? जो रेहान ने बोला MG। तुम्हें भी MG पसंद है, सही बताना आप। तुम्हें तो किया पसंद थी। तो किया पसंद थी, लेकिन उसके सामने वो ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए तुम बताओ कौन सी ले। हमें तो नाम ही नहीं पता, बस ये कि ले लो जो अच्छी हो, ले लो एक बार, लो अच्छी लो, ये चीजें बार बार होते बदलते नहीं है। क्या लगता है बेटी का कैसे बनेगा? रिजा आवाज़ से बता दिया नहीं
नहीं मैं अच्छा बनाऊंगी जैसा भी बन जाए, नहीं बनेगा तो दोबारा बन जाएगा। नहीं लेकिन इस बार मैं अच्छा बनाऊंगी। क्या देख रही हो अम्मा? मकान कैसे करा थी देख। हाँ देख कौन जैसे साधु का। अब मैं नहीं हूँ अम्मा, ये डांस सिखाने वाली हूँ। देख के लोग ऐसे घर पे करते हैं, तुम भी कर लो थोड़ा। मन निकाल का मजा क्या कर रही है? अरे तो क्या कर रही है? पता है केक बना रही है। बनाने दो। हाँ उस दिन से उसको मैं जोश आ गया कि मैं बनाऊंगी। क्या लगता है आपको, केक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बनेगा बनेगा। हाँ, अच्छा बनेगा देखना। ठीक है अभी से तैयारी करने गई हूँ। अच्छा वो चल रहा है, सब लोग खाएंगे। क्या कह रही है? कह रही दो घंटे लगेंगे बनाने में, तो चल जैसा बना हम लोग सब खाएंगे। और नहीं तो जगते रहेंगे। दो बजे तक जगते रहेंगे, उसके लास्ट नहीं है सुबह। लेकिन अल्लाह पाक उसका केक बन जाए तो जगते रहेंगे। सबको पता है कल से रिजा रेहान की एक हफ्ते की छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, तो कल से तो बहुत मजा आने वाला है। और रिजा रेहान आराम से देर तक सो भी सकते हैं, इसीलिए आज वो रात में केक बनाना स्टार्ट करी। उसने सोचा था सब सो जाएंगे तो मैं रात में बनाऊंगी, बिगड़ेगा तो वहीं पे डस्टबिन में डाल दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सीखने से इंसान मतलब सीखता है, तो आज वो ट्राई कर रही है और होपफुली अच्छा बन भी सकता है। नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। ऐसे फ्रेंड्स वो बना चुकी है पहले काफी, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन कभी कभी मेजरमेंट में ना इसके शायद लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये तुम्हारे ये घूम गए थे ना? हाँ, हाफ घूम गए थे और हाफ पता नहीं कहाँ थे, तो मैंने इससे मेजरिंग करके डाला था तो खराब हो गया था। तो आज ये भाभी से ले आई है, तो अभी क्या कर रही हूँ? अभी मैदा डाला है, मैदा डाला है। उसके बाद ये दूध भी डालेगा। हाँ, उसके बाद ये कोको पाउडर और ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लास्ट में और ये बटर भी डालेगा, वो चॉकलेट में डालेगा और ये मैदा ही है। और ये क्या है? कोको पाउडर। अम्मी आप कह रहे थे कि देखो मिर्ची नहीं है, तो मैं मिर्ची ले आई हूँ। अम्मा कह रही है इतने बड़े मिर्ची कौन लेके आया है? आपको इसकी रेसिपी बतानी है सबको, क्योंकि आप खा रहे थे एक बार और काफी लोग पूछ रहे हैं, और सच में ये रेसिपी बताने लायक भी है, जो भी खाएगा उसे मजा आ जाएगा। बता देंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जो ये तुम लाई हो ना बेटा, हाँ। ये तलने वाली मिर्ची ना, ये वो है बेसन में तलने वाली। लेकिन इसके दो टुकड़े काट के हाँ। हम तलेंगे। फिर उससे बोला था मैंने हाँ। कि वो छोटे वाले लाना। अम्मी यही है उनके पास आप? नहीं वो अभी तो इसके बताएंगे हम हाँ। ये भी चल चलेंगी हाँ। लेकिन बिल्कुल इतने साइज के आते हैं, सबको पता होगा वो। अम्मा बन जाएगा इसका? अच्छा चलो अम्मा बताए। ठीक है कल अम्मा बता देगी। ठीक है अम्मी आपकी छुट्टी। अरे जरा कैसा हाल है, ऐसे मास्टर शेफ जो होता है ना, उसका जो फाइनल एपिसोड होता है ना, उस दिन जो वहाँ के कंटेस्टेंट की धड़कन धक 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 हो रही होती है, आज वो रिजा का हाल हो रहा है। देखो क्या हुआ? कोई बात नहीं। क्या गिरा? पलट गया पूरा भगवान। कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये तो नहीं है, ये नहीं नमक ही गिरा है। तुम्हारे क्या लगी? मेरे ये गिरा है, मैं थोड़ा सा लगा, लग जाएगी तुम्हारा लसा ही हो जाए बेचारे। कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी ना खराब हुआ। कोई बात नहीं, ये तो नमक है, फिर से आ जाए। हटाया वो पूरा नीचे आ गया। लगा तो नहीं रिजा? नहीं नहीं नहीं, रेत नहीं कर सकते इसके? रेत मिलती का है यहाँ पे? नहीं तो कर सकते। हाँ रेत से भी होता है। ले लेंगे केक बनाने वाला। अच्छा, सही छोटा नहीं आता क्या? यहाँ रखने की जगह नहीं, तो एक ही स्विच है। छोटा सा नहीं आता एक बर्तन रखने का? वैसे आता होगा, हम लोगों ने कभी देखा नहीं। अगर इतना छोटा सा ओवन आता हो ना जो हमारे किचन में आ जाए, तो प्लीज बताइएगा, तो हम रिजा के लिए वो ले लेंगे। इसमें आराम से वो अपना केक बना सके। इतना बड़ा तो नहीं आ सकता हमारे यहाँ पे, अगर एकदम छोटा आएगा तो ले लेंगे। ठीक है अम्मी? ठीक है अम्मी। ठीक। दूर से मार्शमेलो की तरह लग रहा है। नाप के दूध लिया है? लग रहा है कोई ब्रेड लाए और भर के एक चम्मच बटर लगा के दे दे और मैं खा जाऊं। अभी ये सारी चीजें इसमें डाल दी है और अभी क्या करेंगे? मिक्स। मशीन से कब मिक्स करेंगे? 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा मेन वाला काम। अगर फ्रीजर में रख दिया तो आइसक्रीम बन जाएगी? नहीं, बहुत अजीब टेस्ट लगेगा, नहीं बन सकती। अभी इसके अंदर रख दोगी? अभी क्रीम डाल ली, अभी इसके ऊपर चॉकलेट डालनी होगी। और तुम ये क्या कर रहे हो? बैडमिंटन खेल रहा हूँ। फॉग अच्छी नहीं आई रेहान? ऑर्डर करी ऊपर से तुम ऐसे कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं, ये कॉक नहीं उड़ती है। रेहान हमेशा 20 रुपए वाली कॉक से खेला है, ठीक है? 20 रुपए की कॉक से खेला तो मैं भी खेलूंगा जी, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन ये उड़ती नहीं है। इस कॉक को देखो, अगर मैं ऐसे करके ऐसे उड़ा, ये देख उड़ी ना। अच्छा ये वाली थी, ठीक है? और अब इसको देखो, ये खटारा कॉक को, ये नहीं, तुमने धीरे मारा। कुछ टूटा
चलो अब तुम देखना क्या। रिजेश को डांट। नहीं रिहान खा के जाओगी क्या? देखे वाला बन गया थी। इसने आगे बोला कि बन गया। ये कह रहा है कि रिजा केक बना रही है। अम्मी देखो इसने ये कहाँ पचाई ऊपर कॉक देखो झूमर तोड़ देगा अम्मी है। डांटो अम्मी से। क्या डांटो सुबह डांटो अभी कैसे डांटो। ऐसी दीवानगी कहीं नहीं देखी मैंने। ऐसी दीवानगी देखी नहीं क्या रिजा कभी। रिहान सॉरी करो मैं सारी उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। अपने आप देखो क्या वो खोले थी पता है। ऐसी दीवानगी अम्मी आप यूट्यूब खोले थी और मैंने बोला ऐसी दीवानगी तो वो उसमें आ गया। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं इसीलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। नाम रख दिया तेरा नाम रख दिया। मैं पी रही हूँ अपनी चाय। रिजा बना रही है केक। रिहान उधर देख कू इसका पीछे से ही है। फ्रेंड्स अम्मा देखो गुस्सा हो रही है। हम लोग सो नहीं रहे हैं तो चलो शांति। अभी फाइनली रिजा उसको चेक करने जा रही है। अभी रिजा मुझे बीच से कच्चा दिख रहा है। नहीं है ना ठीक है। चलो फूल भी गया। हाँ वही तो सॉफ्ट भी है। बस ही बना। सोने जा रहे हो? बहुत 2 बजे गए। सुबह खाओ ना फिर। ठीक है सुबह खा लेना। हाँ गरम करके। जैसे कि आप सब देख सकते हैं रिजा का केक जो है मिशन जो केक है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी उसके केक में जो केक नहीं फूलता था तो वो फूल गया है। अभी टेस्ट जो है वो हम तुम्हें बताएंगे टेस्ट करके। यहाँ पे ये चॉकलेट है, ये है क्रीम। अभी देखो ये सारी चीजें लाके यहाँ पे बैठ गई है और अभी इसे प्रॉपर असेंबल करेगी। आज केक तुम्हारा फूल गया इसलिए खुशी तो होगी। हाँ थोड़ा सा चखा तो दो। अभी कैसे अभी शेप खराब हो जाएगा उसका। क्रीम तो अच्छी बनी है रिजा। चिपका रहने दे रिजा इसी के ऊपर से क्रीम लगा दे। क्यों वो चाकू बड़ा नहीं है? स्केल नहीं है क्या? स्केल बड़ी नहीं है। ये क्या करी रोटी बना रही हो? निकल गया। लेट्स गो पकड़ो। पलटो पूरा पलटो। हाँ, पकड़ना पकड़ना। हाँ, छोड़ दो बस ये। ये भी बड़ा नहीं है हमारे पास। मैं तुम्हारी घुमाने वाली मशीन बन जाती हूँ। चल चल तुम एक जगह रखो अपना वो। ये नहीं होगा। ये अपने हिसाब से ही होगा। ये वाली जो क्रीम है थोड़ी कम पड़ गई है तो ये थोड़ा सा अभी मतलब चितकबरा सा लग रहा है तो हमने डिसाइड किया कि हम ये वाली क्रीम से इसे कवर कर देंगे। लेकिन थोड़ी लगा रहे हाँ, बहुत कम लगा रहे। चिकन पॉक्स निकल ऐसे मत बोलो। डन काटे। फ्रेंड्स इस वक्त बज गए हैं रात के 2:50 और रिजा का जो केक है वो रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसने मेरा नाम भी लिखा है तो अभी हम इसे कट करेंगे और आपके सामने बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल है। वेरी गुड रिजा लेकिन टेस्ट कैसा है वो देख। अरे वो बहुत सॉफ्ट है इतनी इजीली कट गया। और तुम खा के बताओ। थोड़ी देर वैसे फ्रिज में रखते हैं लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। परफेक्ट। और फ्रेंड्स अभी हमें सबसे ज्यादा इंतजार है कल का जो हम ही उठेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि फाइनली रिजा ने बहुत ही अच्छा केक बना लिया है। अरे फोटो तो ली नहीं केक के साथ। स्माइल ऐसे करो। अच्छा बनाया ना परफेक्ट है ना। एक पॉइंट टू बी है। चलो चलो रिहान ने तो पास कर दिया। क्या गिरा रहा है। बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, बहुत थोड़ा अच्छा तो और खाओ। सही तो बहुत अच्छा।